महंत आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के गोरखपुर से सांसद हैं। साथ ही फेमस गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। 9 विधानसभा सीटों वाला गोरखपुर सियासी नजरिए से बेहद खास है। राप्ती और घाघरा नदी के किनारे बसे इस शहर की बनावट नदियों के बीच कटोरे की तरह है। शहर हो या शहर के बाहर बसे सैकड़ों गांव, सभी की सुरक्षा चारों तरफ बने बांधों पर है, जिनमें ज्यादातर बदहाल है। वहीं गोरखपुर सड़क, बिजली और पानी की बुनियादी सुविधाओं से आज भी जंग लड़ रहा है। विकास का जिम्मा महंत आदित्यनाथ पर भी है। महंत आदित्यनाथ 16वीं विधानसभा के लिए यूपी के गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं। 5 जून 1972 में जन्मे महंत आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह। महंत आदित्यनाथ ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित से बीएससी किया है। 2014 में महंत आदित्यनाथ लगातार 5वीं बार गोरखपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर एमपी बने। साल 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए महंत आदित्यनाथ को पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया और एमपी बने। उस समय उनकी उम्र महज 26 साल थी। 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए भी उन्होंने जीत दर्ज की और संसद पहुंचे। साल 1999-2000 के बीच वो फूड सिविल सप्लाई और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी के सदस्य बने। साल 2004 में वो तीसरी बार गोरखपुर से सांसद बने। साल 2009 में उन्हें गोरखपुर की जनता ने चौथी बार सांसद चुना। इस दौरान वो ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बने। साल 2014 में आदित्यनाथ 5वीं बार गोरखपुर से चुने गए। मौजूदा वक्त में वो संसद की अलग अलग स्टैंडिंग कमेटियों के सदस्य हैं। महंत आदित्यनाथ ने अप्रैल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई, जिसके कार्यकर्ता पूरे देश में हिंदू धर्म विरोधी कार्यों को रोकने का काम कर रहे हैं। महंत आदित्यनाथ कई हठ योग स्वरूप एवं साधना, योगी, सत्कर्म, हिंदू राष्ट्र नेपाल समेत कई किताबें पब्लिश कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए। 2017 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है। मुद्दे कई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सियासी रंग मोदी सरकार के नोट बैन के फैसले पर चढ़ा है। आलम यह है कि दिल्ली से लेकर यूपी तक नोटबंदी के फैसले पर सियासी संग्राम हो रहा है। पूरे विपक्ष समेत माया मुलायम मोदी के नोट बैन को बेतुका और अराजकता भरा बता रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी से नोटबंदी पर मिले नए गुरु मंत्र के बाद बीजेपी सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में नोटबंदी के फायदे जनता को समझा और गिना रहे हैं। के गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और सांसद महंत आदित्यनाथ भी नोटबंदी के फायदों के पिटारे के साथ जनता के बीच उतरे। इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ही और केवल थाना और तहसील ही नहीं, विभिन्न सरकारी अर्ध सरकारी विभागों में जहां भी भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर की रात्रि को 1500 के नोटों को चलन से रोकने की कार्रवाई प्रारंभ की, एक व्यवस्था दी और प्रयास किया जा रहा है कि जनता को कोई दिक्कत न हो। इसीलिए कल ही यहाँ की जनता के लिए 2000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ने गोरखपुर भेजे हैं और प्रत्येक ब्रांच में पैसा आ गया है, जिससे लोगों को आसानी से पैसा मिल सके।
अपने तयशुदा प्रोग्राम के तहत महंत आदित्यनाथ पेपराइश विधानसभा के बेला कांटा गांव पहुंचे। नोटबैन के नफे नुकसान जानने के लिए जनता सामने थी। महंत ने मंच से मोर्चा संभाला और नोटबंदी के फायदे गिनाने शुरू किए। आदित्यनाथ जब तक बोले तब तक मोदी सरकार के फैसले को क्रांतिकारी कदम बताते रहे। वाले समय में यही प्रयास किया जा रहा है कि नगद लेन देन की बजाय हम एक ऐसी व्यवस्था पैदा करें जिसमें पैसा सीधे देना न पड़े, क्योंकि जब नगद लेन देन बंद होगा तो उस पर सबसे बड़ा प्रहार होगा वह भ्रष्टाचार का। आप देख रहे होंगे जब से 500 और 1000 के नोट चलन से बंद हुए, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, नक्सलवादी गतिविधियां बंद हो गई, आतंकी गतिविधियां बंद हो गई और छिनैती लूट की घटनाएं भी लगभग लगभग बंद हो गई। यानी अपराध पर भी नियंत्रण हुआ, आतंकवाद पर भी नियंत्रण हुआ और अलगाववाद और नक्सलवाद पर भी नियंत्रण हुआ और भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक नियंत्रण हुआ है। जो भ्रष्टाचार बाकी बचा है उस भ्रष्टाचार को जब नगद लेन देन की परंपरा बंद होगी तो फिर थाना अध्यक्ष या थानेदार या कोई दरोगा आपसे पैसा मांगेगा कैसे। जनता के बीच नोटबंदी के फायदे गिनाने के बाद महंत आदित्यनाथ ने इंडिया 24/7 से खास बातचीत की। हम लोग जहां भी जा रहे हैं तो जनता को नोट मुद्रा की विमुद्रीकरण की कार्रवाई से क्या लाभ है और इसके आने वाले समय में कितने अच्छे परिणाम आने वाले हैं जहां इसके बारे में बताया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ अगर भ्रष्टाचार पर और किसी भी प्रकार के अलगाववाद अराजकता पर अंकुश लगाना है तो उस दिशा से कैशलेस इकोनॉमी के बारे में जो प्रधानमंत्री ने उसके फायदे के बारे में बताए हैं उसके बारे में हम लोग जनता को भी अवगत करा रहे हैं, बता रहे हैं। जब कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और पब्लिक उसको स्वीकार कर देगी तो मुझे लगता है कि इस नगद जो भ्रष्टाचार की जो एक दुष्प्रवृत्ति थी जो समाज में एक कोड का रूप धारण कर चुकी थी जिसने विकास को अवरुद्ध सा कर दिया था, बहुत हद तक उस पर लगाम लगेगा। उधर सांसद जी की चुनावी चौपाल में ऐसे कई लोग मिले जो नोटबंदी पर सांसद महंत आदित्यनाथ की तरह बड़े बड़े फायदों की ताल ठोक रहे थे। जहां कैशलेस से बता रहे थे महाराज जी कि भ्रष्टाचार इसी से खात्मा होगी, क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका है और यदि पेटीएम का ऑनलाइन का व्यवस्था सब लोग करने शुरू कर देंगे उसी दिन से भ्रष्टाचार में कमी आ जाएगी। रही बात नोटबंदी पर, कुछ समस्याएं जरूर आई हैं और यह धीरे धीरे उम्मीद है कि ठीक होती जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, वो भी बताए, हम उससे बहुत ही सहमत है, बहुत अच्छे हैं कि पीएम मोदी ने जो कहा। योगी जी बताए कैशलेस से फ़ायदा है कि आप लोग एटीएम से और भी तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं जो जिससे आप लोग कैशलेस का काम करें उससे सबको फायदा होगी। हाँ, इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, जितने भी कैशलेस से काम करेंगे हम लोग उससे पूरी सरकार के खाते में सरकार को सब चीज़ की जानकारी होती रहेगी। तो महाराज जी जानकारी दी हैं कैशलेस के बारे में, जैसे इससे भ्रष्टता खत्म होगी, लोगों के हित में है। जैसे आप थाने पर जाते हैं पैसा देते हैं तो जब पैसा ही नहीं रहेगा तो वह पैसा कहाँ से देंगे आप। इन सब चीज़ों से कम देश में और खून में एकदम ये भ्रष्टता जकड़ चुकी है, लोग इतना पैसा रख रहे हैं घर में, तो कम से कम इससे देश का हित होगा। जी मेरी राय मोदी जी एकदम अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत है जनता को, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत अगर जनता उठा लेती है तो देश के हित में यह काम हो रहा है निश्चित रूप से, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। सांसद महोदय की चुनावी चौपाल के इतर उनके संसदीय क्षेत्र में भी देश भर की तरह नोटबंदी से हो रही परेशानियों की गूंज है। सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से जंग लड़ रहे गोरखपुर में ऐसे लोगों की तादाद काफी है जिनके लिए नोटबंदी सबसे बड़ी मुसीबत है। परेशान लोगों के इस वर्ग में आम लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं,
घर गृहस्थी वाले लोग हैं। कई तो ऐसे हैं जिनके चूल्हे नोटबंदी ने ठंडा कर दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम बैंक से 50 दिन में समस्याओं का निस्तारण करा देंगे, परंतु आज भी अभी बैंकों पे लाइनें लगी हैं, जैसे तब थी वैसे अब हैं, कहीं समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह जनहित की समस्या है, तमाम गरीब मजदूरों की समस्या, आम जनमानस की समस्या है, इस पे तेजी से काम हो जिससे आम जनमानस का की समस्याएं दूर हों, क्योंकि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री होने के कारण मेरी समस्याओं का निदान करना भी आपका अधिकार है। तो हकीकत यह है, क्या बताएंगे वो, क्या बताएंगे आके, कहीं आपको फायदा दिखा, कहीं नहीं दिखा। ये बोला कि अमीर आदमी या जो भी काला धन रखा है उसको नुकसान होगा, लेकिन आप जाके देखिए गांवों में, शहरों में, हर जगह जो गरीब है, ये तो खुश कर दिया गया कि आपको फायदा होगा, फायदा होगा। कहां फायदा हुआ भाई, काम एक एक, एक दिन दो दो दिन का अपना रोजगार छोड़ के वो आके एटीएम पे 2000 रुपए निकालने के लिए आ रहे हैं। अब ये कहां फायदा, किस मुंह से आएंगे वो हमको बताने के लिए कि आपका फायदा हुआ है। कहीं फायदा नहीं हुआ है नोटबंदी से, जबकि हर गरीब का, हर एक आदमी का अपना निजी व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। गांव में आदमी सब खाने पीने में मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोग रोजगार छोड़ के परेशान हो रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उनके सांसद विधायक जो भी हैं लोगों की परेशानियाँ झिला रहे हैं, दिन प्रतिदिन एकदम वो गरीबी बढ़ती जा रही है। जो अमीर है अमीर है, जो गरीब है वही स्थिति। हकीकत की तस्वीर इसलिए भी कड़वी क्योंकि न इलाके में ज्यादातर लोग कैशलेस स्कीम के बारे में जानते हैं और न ही उन तक इसकी सही जानकारी अब तक उपलब्ध कराई जा सकी है। महंत आदित्यनाथ के इलाके के लोगों का एक दर्द और भी है कि जिसे पेटीएम का पातक नहीं पता, वो कैशलेस की नई तकनीक को आखिर कैसे पार कर पाएगा। कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक गांव में उतर के लोगों को ये नहीं बता रहा है कि कैसे यूज करें। अभी शहर के भी लोग, हमको लगता है कि लगभग 30-40% ऐसे लोग हैं जो वो यूज नहीं कर पाते हैं, इंटरनेट सीधा इंटरनेट बैंकिंग से नहीं जुड़े हुए हैं। तो इस दौर में हमें नहीं लगता कि इस तरीके से केवल भाषणबाजी से काम चलेगा, निश्चय रूप से आना चाहिए। अब कोई दिख नहीं रहा कहीं भी। कभी सांसद जी को मैंने नहीं देखा पैदल घूमते, लेकिन सभाएं लग रही होंगी, सभाओं में कह रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी का ये अपना आंतरिक मैटर है। लेकिन जो इस प्रकार से नोटबंदी किया गया है, नोटबंदी और कैशलेस, पेटीएम का यूज कौन करेगा? आप बताइए, रिक्शा चालक कर सकता है पेटीएम का यूज? क्या मजदूर जो दिन भर मजदूरी करता है, 300 रुपये दिहाड़ी पाता है, जिसके बैंक खातों में अकाउंट नहीं है, वो पेटीएम का यूज कर सकता है? जो सिटी मॉल और बड़े मेगा शॉप में मार्केट करते हैं वो केवल पेटीएम का यूज कर सकते हैं। गरीब आम जनता, लेबर, किसान नहीं कर सकता पेटीएम का यूज। केंद्र सरकार को इसमें सोचना चाहिए। साफ है कि नोटबंदी पर जहां बीजेपी के सांसद अपने इलाके में गिनी चुनी जगहों पर चुनावी चौपाल लगा रहे हैं, वहीं जनता परेशानी से छुटकारा पाने की राह अकेले ही तलाश रही है। कहीं कैशलेस स्कीम लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही, तो कहीं देश के अन्नदाता को नोटबंदी ने बीज खाद से बेजार कर दिया है। अब बड़े वादों और दावों के बीच राहत की उम्मीद जनता से अभी भी कोसों दूर है। प्रदीप तिवारी, इंडिया 24/7, गोरखपुर।